बीएसपी के नवेले प्रत्याशी बने अमन मणि त्रिपाठी। यूपी विधानसभा चुनावों में अब कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। महाराजगंज की नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी बीएसपी में शामिल हो गए हैं। यूपी के महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री अमन मणि के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को बहुजन समाज पार्टी ने सोमवार की देर शाम अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 31 साल के अमन मणि को राजनीति उनके पिता अमर मणि त्रिपाठी से विरासत में मिली है। इनके पिता अमर मणि त्रिपाठी जो अब नौतनवा विधानसभा हो गया है, जो पहले लक्ष्मीपुर था, से 4 बार विधायक थे और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कौन है अमर मणि त्रिपाठी। चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पिता अमर मणि और मां मधुमणि त्रिपाठी के जेल जाने के बाद अमन मणि राजनीति में आए। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अमन मणि त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव 2012 में सपा की टिकट पर नौतनवा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के कौशल किशोर सिंह से हार मिली थी। इसके बाद 17वीं विधानसभा के चुनाव में अमन मणि त्रिपाठी ने एक बार फिर सपा से टिकट मांगा, लेकिन पत्नी की हत्या के मामले में फंसने के बाद सपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने जेल से निर्दलीय चुनाव लड़ा और सपा उम्मीदवार को हरा कर पहले विधायक चुने गए। निर्दलीय रहने के बाद इस बार चुनाव नजदीक आते ही इनको भाजपा की गठबंधन निषाद पार्टी से टिकट मिलने के खूब कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सोमवार की शाम निषाद पार्टी ने ऋषि त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी घोषित कर अमन मणि त्रिपाठी के टिकट मिलने के कयास पर पूर्ण विराम लगा दिया। निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी अपनी पत्नी सारा की हत्या के आरोपी हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 9 जुलाई 2015 को सारा की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई थी। अमन मणि का कहना है कि इस दिन दोनों पति पत्नी कार से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें सारा की जान चली गई। इस हादसे में अमन मणि को भी चोटें आई थी। हालांकि सारा की मां का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है।